आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद टीम के बीच मुकाबला खेला जाना है। इस सीजन में पहली बार दोनों टीमें आज आमने सामने होंगी, जहां एक तरफ गुजरात टीम अपने तीनों मुकाबले जीत करके पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर है, तो वहीं दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद टीम अब तक सिर्फ एक ही मैच में जीत हासिल कर पाई है। पॉइंट्स टेबल में वह 8वें स्थान पर बनी हुई है। हालांकि हैदराबाद टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने पिछले मैच में 75 रनों की बड़ी पारी खेली थी और राहुल त्रिपाठी भी लगातार टीम के लिए रन बना रहे हैं, जो कि टीम को आज बहुत फायदा पहुंचा सकते हैं। कप्तान केन विलियमसन ने भी चेन्नई टीम के खिलाफ मैच में काफी अच्छी शुरुआत दिलाई थी, ऐसे में कप्तान से आज भी काफी उम्मीदें रहेंगी। बात करें अगर गुजरात टीम की, तो हार्दिक पांड्या की अगुवाई में टीम ने अपने लगातार 3 मैच जीत लिए हैं। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल भी अब फॉर्म में वापस लौट आए हैं। साथ ही मध्यक्रम की अगर बात करें, तो यहाँ हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर और राहुल तेवतिया भी आज के मैच में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। खासतौर पर राहुल तेवतिया, जो टीम के लिए इस सीजन में एक्स फैक्टर साबित हो रहे हैं, वैसे में आज इन पर खास नजर रहने वाली है। गुजरात टाइटंस ने अपने पिछले 3 मैच जीते हैं, टीम के युवा खिलाड़ी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे में हैदराबाद के लिए मैच आसान नहीं होने वाला है। आज के मैच में गुजरात टीम का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आता है। दोनों टीमें अपना पिछला मैच यहां जीत करके आ रही हैं, ऐसे में आज के मैच में बदलाव में यानी कि टीम में बदलाव की उम्मीद कम नजर आती है। मुकाबला डीवाई पाटिल स्टेडियम में आज शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, आप इसे शेयर भी कर सकते हैं ज़्यादा, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आज आप गुजरात टाइटंस को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आपको लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद टीम आज के मैच में बाजी मार जाएगी।